नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं निपुण विद्यालय बनाने के लिए, आप अपने विद्यालय को निपुण कैसे बनाएं एवं निपुण लक्ष्य की प्राप्ति कैसे करें, इसके हेतु कार्य योजना किस तरह आप तैयार कर सकते हैं। ये कार्य योजना मेरे अपने विद्यालय की कार्य योजना है, तो इसे मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये जो कार्य योजना है एक रजिस्टर के रूप में तैयार की गई है, इसे आप अपने विद्यालय में भी फॉलो कर सकते हैं या इसकी सहायता से अपने विद्यालय की कार्य योजना तैयार कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये पहला प्रश्न है, ये उसी कार्य योजना का दूसरा प्रश्न है, तीसरे पेज पे निपुण लक्ष्य, बाल वाटिका से लेकर कक्षा 3 तक के निपुण लक्ष्य को समाहित किया गया है, जबकि 4 और 5 के निपुण लक्ष्य अभी जारी नहीं किए गए हैं, इसलिए इसमें उन्हें रिक्त छोड़ा गया है। अगला प्रश्न है गणित के निपुण लक्ष्यों का, ये भी बाल वाटिका से कक्षा 3 तक के हैं जिन्हें दर्शाया गया है। इसके बाद कक्षावार छात्र संख्या है अगले प्रश्न पर। इसके बाद कक्षा अध्यापकों का विवरण है जिन्हें कक्षा आवंटित की गई है, जिसे भी जो कक्षा आवंटित है उसका नाम उस कक्षा के आगे लिखा गया है। यहाँ पे है कि शिक्षक के नाम, दिवसवार कार्य विभाजन, जो विद्यालय के कार्य हैं उन्हें कैसे कैसे विभाजित करना है इस प्रश्न पर दर्शाया गया है कि विद्यालय खोलना, बंद करना, विद्यालय की साफ सफाई, प्रार्थना सभा का संचालन, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था, पुस्तकालय की व्यवस्था, खेलकूद सामग्री का रखरखाव एवं पंजिका अद्यतन कराना, पेड़ पौधों के पानी व्यवस्था करना, छुट्टी के समय बच्चों को पंक्तिबद्ध विद्यालय से उचित स्थान तक पहुँचाना। इसमें है कि संबंधित अध्यापक यदि अवकाश या अन्य किसी कार्य में रहेगा तो अपना उत्तरदायित्व अन्य किसी अध्यापक को सौंपेगा। अगले प्रश्न पर है ये टाइम टेबल, प्रत्येक शिक्षक का किस कक्षा में क्या कालांश है और उसे क्या पढ़ाना है, इसी के अनुसार ये समय सारणी है। यह है निपुण विद्यालय कार्य योजना, बच्चों की नियमित उपस्थिति के लिए कार्य योजना, अभिभावकों से संपर्क किया जाएगा, अनुपस्थिति के कारण और निदान पर चर्चा, पीटीएम व अभिभावकों से परिचर्चा, समय सारणी की योजना, समय सारणी का निर्धारण करना, शिक्षकों को समय सारणी के अनुसार कार्य करना, आकलन प्रपत्र तैयार करना और आवश्यकता अनुसार बच्चों की उपचारात्मक शिक्षा पर कार्य करना, शिक्षण योजना एवं TLM का प्रयोग है, प्रत्येक शिक्षक को कक्षा संचालन में शिक्षण योजना व TLM का प्रयोग करना होगा, उचित बैठक व्यवस्था पर ध्यान और शिक्षण प्रक्रिया का नियमित मूल्यांकन करना होगा। अगला प्रश्न है कक्षा कक्ष में शिक्षकों द्वारा शिक्षण तकनीकों का प्रयोग, निपुण विद्यालय बनाने के लिए समस्त शिक्षक अपनी कक्षा संचालन में निम्न शिक्षण तकनीकों का प्रयोग करेंगे, पिंटरेस्ट कक्षा, कक्ष का वातावरण, कक्षा प्रबंधक में बैठक व्यवस्था, TLM से भरा कक्षा का रोचक प्रस्तावना, कार्य पत्रों का प्रयोग, सभी को शामिल करना, परिवेशीय संसाधनों का प्रयोग, अभ्यास के अवसर देना और सकारात्मक प्रतिपुष्टि करना, प्रोजेक्ट कार्य, संकल्प यह है यही हमारा, हर बच्चा निपुण हमारा। अगला प्रश्न है कक्षा अध्यापक व कक्षा संचालनकर्ता अध्यापक के दायित्व, कक्षा अध्यापक के दायित्व, प्रथम कालांश में उपस्थित बच्चों की उपस्थिति अंकित करना, लगातार अनुपस्थित बच्चों के ठहराव हेतु अभिभावकों से संपर्क प्रोत्साहन करना और संपर्क करना, विद्यालय पर होने वाली मासिक मीटिंग में बच्चों के अभिभावकों से शैक्षिक स्तर पर चर्चा करना, बच्चों को प्रतिदिन विद्यालय भेजने हेतु प्रेरित करना। कक्षा संचालनकर्ता अध्यापक के दायित्व हैं कक्षा संचालन
कर्ता अध्यापक शिक्षण संदर्शिकाओं में दिए गए निर्देशों एवं कालान समय विभाजन अनुसार शिक्षण कार्य कराते हुए अभिलेखीकरण करेंगे। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट है बच्चों का साप्ताहिक आकलन कर अभिलेखीकरण करेंगे एवं साप्ताहिक स्टाफ मीटिंग में इंचार्ज प्रधानाध्यापक को बच्चों के शैक्षिक स्तर से अवगत कराना, जिससे उपचारात्मक शिक्षण प्रभावीकरण रूप से किया जा सके। फिर तीसरा पॉइंट है कक्षा संचालन में सहायक शिक्षण सामग्री का आवश्यकता अनुसार निर्माण करते हुए उपयोग करना। और फिर है चौथा पॉइंट प्रिंट रिच मटेरियल गणित किट का प्रयोग करना, विज्ञान किट का प्रयोग करना। फिर है निपुण भारत मिशन को जन आंदोलन बनाने हेतु विद्यालय का प्रयास। निपुण भारत मिशन को जन आंदोलन बनाने हेतु विद्यालय स्तर पर विभिन्न प्रकार की बैठक व गतिविधियों को आयोजित किया जाएगा। विद्यालय स्टाफ मीटिंग साप्ताहिक रूप से प्रत्येक शनिवार को विद्यालय समय उपरांत समस्त स्टाफ के साथ बैठक आयोजित कर गत सप्ताह के आकलन पर चर्चा एवं आगामी सप्ताह के आकलन पर कार्य की रूपरेखा तैयार करना। फिर है शिक्षक अभिभावक मीटिंग। प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को विद्यालय पर शिक्षक अभिभावक मीटिंग का आयोजन कर माह में बच्चों द्वारा प्राप्त शैक्षिक उपलब्धियों से अवगत कराना वह समय समय पर शासन द्वारा प्राप्त शासन आदेशों पर चर्चा करना एवं शिक्षकों द्वारा छात्रों के दिए गए गृह कार्य कराने हेतु प्रेरित करना। बच्चों को नियमित रूप से रोज व स्वच्छ यूनिफॉर्म में विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित करना। फिर माह में कम उपस्थित वाले बच्चों को अभिभावकों को उनकी उपस्थिति बढ़ाने हेतु प्रेरित करना, उनको शिक्षा के महत्व से प्रेरित करना है। फिर विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक। प्रत्येक माह के प्रथम बुधवार को विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक का आयोजन किया जाएगा। आगे है मिड डे मील, MDM, साफ सफाई एवं शुद्ध वातावरण। बच्चों को हाथ धोने के लिए साबुन की व्यवस्था, बच्चों के गर्म दूध भोजन फल मीनू के अनुसार व्यवस्था, MDM स्वच्छ स्थान पर बैठकर खिलाने की व्यवस्था, रसोईया को एप्रिन कैप व ग्लव्स जो कि उपलब्ध कराए गए हैं पहनने के लिए प्रेरित करना, बालक बालिकाओं को शौचालय का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करना। फिर शिक्षक के अवकाश संबंधी नियम। सभी शिक्षक मानव संपदा ID पर रिपोर्ट ऑफिसर वर्तमान समय के प्रधानाध्यापक को बनाएंगे। यदि संभव हो तो अपने अवकाश लेने की सूचना लगभग एक दिन पूर्व में प्रधानाध्यापक को देंगे ताकि कक्षाओं का संचालन विधिवत हो सके। अपने अवकाश संबंधी समस्या हेतु ब्लॉक कंप्यूटर ऑपरेटर से संपर्क कर अपने विद्यालय में लिए गए समस्त अवकाशों को ऑनलाइन दर्ज करा लें। माह की 20 तारीख तक उस शिक्षक की जिम्मेदारी होगी। तो ये थी निपुण विद्यालय बनाने हेतु एवं निपुण लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु हमारे विद्यालय की कार्य योजना। आप भी इसकी मदद से आप अपनी विद्यालय की कार्य योजना तैयार कर सकते हैं, उसका रजिस्टर तैयार कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।